हेल जिमुम्बा, हेल जिमुम्बा। माय डियर इंडियन, जिमुम्बा तुम सबको सलाम बोलता है। थैंक यू जिमुम्बा। डियर इंडियन, हम तुमको जो काम दिया उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ बताओ हमको। खुद देख लीजिए ना। जी मुंबा, काफी पढ़े लिखे होने के बावजूद बेकारी के शिकार थे ये नौजवान लड़के। रूपों की चमक ने इन लोगों की जीवन धारा बदल दी। तोड़ फोड़, दंगा फसाद करना इनकी रोजी रोटी बन गई। और अब तो विद्रोह को इंसाफ और अपना फर्ज समझ बैठे ये बेचारे। माय डियर इंडियन, हमारा देश का बगल वाला तुम्हारा ये देश रोज ब रोज हर तरह से बहुत ऊपर को जा रहा है। पूरी दुनिया में द ग्रेट कंट्री होना मांगता है जो नहीं होना चाहिए। सारा देश में दंगा फसाद और तोड़ फोड़ करते ही रहो, प्रोग्रेस रोक दो। हर बात में तुम अपना देश को 50 साल पीछे ले जाओ। आई मीन योर कंट्री शुड गो बैक बाई 50 years। गिरोह के जुल्मों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मुल्क की शांति भंग करने के लिए जनता को आपस में लड़वाया जा रहा है। मालूम होता है कोई विदेशी शक्ति इस गिरोह के पीछे है और वो शक्ति हमारे देश को कमजोर बनाने पे तुली हुई है। इसलिए इन देशद्रोहियों को खत्म करना जरूरी है। शूट एट साइट के ऑर्डर जारी किए जाएं। नो सर, माफ कीजिए, मेरी राय में आग से आग बुझाने की कोशिश में कामयाबी नहीं मिलती। वो गिरोह एक विश्व वृक्ष है, टहनी काटने से बात न बनेगी। पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। इस बारे में आपके सीबीआई डिपार्टमेंट ने क्या कदम उठाया? सर, दुश्मन का पता लगाने के लिए हम लोग एक स्पेशल एजेंट अपॉइंट कर चुके। हमारे एजेंट ने बहुत से सबूत इकट्ठे किए और खबर भेजी है कि वो उनके खुफिया अड्डों का पता लगा चुका है। मुमकिन है कि अब तक वो उनके मेन अड्डे पर पहुंच गया। लुक एट दिस जी मुंबा, हमारे देश के खास मकामात का मॉडल, ये बिगेस्ट डैम, वो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये वेपन्स फैक्ट्री और ये मुल्क के व्यापार के केंद्र हैं, ये सब स्टेट के कैपिटल्स हैं। सुन रहा है जिमुम्बा, इस वर्ष अगस्त 15 को हजारों की तादाद में बम तैयार करा के सभी खास जगहों पर रखवा दूंगा। उस रोज यहाँ पे रिमोट स्विच हम लोग अगर दबाएं तो ओह माय गॉड, शराब लाने वाला नौकर सिवे का ये जिन था, उसने यहां का वीडियो फिल्म जरूर निकाला होगा। माइकल, मिस्टर मुकेश, तुम्हारी ली हुई वीडियो फिल्म का कैसेट कहाँ है? बताओ। नहीं बताऊंगा। मैं कहता हूँ बताओ, वो कैसेट कहाँ छुपाया? जहाँ उसे पहुँचना था अब तो पहुँच चुका हूँ। You bastard! क्या बात है? क्या हुआ? अब भी नहीं बताएगा? नहीं, नहीं बताऊंगा। मुकेश और उसके परिवार वालों की हत्या करने का मतलब ये हुआ
मुकेश को उस गिरोह के बहुत से रहस्यों का पता चल चुका था। ओ गॉड, हमारे पास सबूत पहुंचाने से पहले ही उसे मार डाला। मुकेश जैसे काबिल अफसर को खो देना हमारे डिपार्टमेंट की बदकिस्मती है। उस जालिम गिरोह को पकड़ने के लिए अब हम लोगों का अगला कदम क्या होगा सर? क्या होगा? जान पर खेलने वाला दूसरा एजेंट भेजना होगा मैं, और वो एजेंट मैं चुन चुका हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। तुमको मालूम है कि जिसे पकड़ना है वो बड़ा खूंखार गिरोह है। पूरी जानकारी के लिए फाइल पढ़ लो और अपना काम शुरू कर दो। जाओ। सर, अब तक हमने जिसे भी एजेंट मुकरर किया उसका पता मालूम करके वो गिरोह बेदर्दी से उसका खून करता रहा ना सर? ये कौन सी नई बात है, सब जानते हैं। इसलिए हम असली एजेंट का पता उनको लगने ना देंगे और उनको गुमराह करने के लिए किसी चोर को अपना एजेंट नियुक्त करेंगे। हमारे एजेंट का काम आराम से होता रहेगा, उसकी जान को भी खतरा ना होगा। Stop that nonsense! अपने दिमाग से उभरे सड़े गले आइडिया सुनाकर मेरा भेजा मत खाया करो। तुम समझते हो कि हमारी चक्करबाजी को समझ ना पाएंगे वो लोग? मेरी बात तो सुनिए सर, हमारे डिपार्टमेंट से संबंध रखने वाले एक आदमी के हमारे अफसर होने का विश्वास दिलाएंगे उस गिरोह को, तब वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा आदमी हमें कहां मिलेगा जो उन बदमाशों से मुकाबला कर सके? सर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइडिया मुझसे ही लीजिए, ऐसे एक आदमी को मैंने ढूंढ लिया। मेरा अपमान करने की कोशिश की तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़ रहे हैं। छोड़ मुझे, तूने अगर हाथ उठाया तो ये कैंची पेट में घुसेड़ दूंगा, इस ब्लेड से तुम्हारे मुंह का नक्शा बदल दूंगा। क्यों लड़ रहे हो? देखिए साहब, इसने मेरा पर्स चुरा लिया, अगर पर्स ना मिला तो बीवी को मुंह ना दिखा पाऊंगा। मेरा पर्स दिलवा दीजिए। इनका पर्स दे दो। चुराते हुए आपने मुझे देखा? वो बोल रहे हैं ना। अजीब पुलिस अफसर है आप भी। ये मुझे पॉकेट मार समझा क्या? चलू चल चलो। आपकी सेवा के लिए मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं। कपड़े इसकी जरूरत नहीं है। चेक करो, कुछ भी नहीं है सर। आपकी पोशाक पहने इसलिए हर कोई आपको चोर दिखाई पड़ता है। सुनो, एक सफेद पेंट वाला यहाँ था, तुमने देखा? मैं क्या जानू, मेरा पर्स दे दो। एसआई ने चुराया, उससे पूछो। वो रहा। सचमुच पॉकेट मार है सर। पकड़ो। उधर ढूंढो। ओके सर। देख लिया ना सर मेरे चुने हुए आदमी को? क्यों नहीं, खूब देखा उसको। कैंची और ब्लेड हाथ में लिए हुए पर्स मारने वाले एक जेब कतरे को अपना एजेंट बनाने की राय देते हो? ऐसा करने से हम दोनों को सिर्फ नौकरी से ही छुट्टी नहीं दे देंगे, अंडमान भेज देंगे भीख मांगने। ये तो बहुत अच्छा होगा सर। सर, वो मामूली पॉकेट मार नहीं है सर, सुपर पॉकेट मार है। वो पर्स ही नहीं उड़ाता, मौका पड़े तो आदमी को भी उड़ा सकता है। आप चलिए, आपको दिखाता हूँ। चलो देखते हैं।
मुझको क्यों मारते हो? मैंने जो प्लान बताई है उसके लिए फिट है ना? बहुत उचक फान मत करो, मुझे सोचने दो। तुम यहाँ पे हो? मैं तुमको स्कूल में ढूंढ रहा था। रोते क्यों हो? भैया, मेरी इच्छा है मैं भी डांस करूं, लेकिन मैं तो लंगड़ा हूं ना, कैसे करूंगा? टांग अब कभी ठीक ना होगी, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। करोगी, तुम्हारी टांग अवश्य ठीक हो जाएगी, उसे मैं ठीक करवाऊंगा, अब कभी मत रोना। भैया, अरे तू यहाँ मौजूद है? माँ तो घबरा गई, बोली ढूंढ कर लाओ। ले जाओ इसको। ओ पूज्य माता जी, आपके पुत्र की खून पसीने की कमाई प्रस्तुत है। दूध वाले गंगा सिंह और पंसारी बापा राम के रुपए चुका दिए मैंने, अब जो वो मकान मालिक किराए के लिए आवाज लगाए तो इन नोटों को उसके मुंह में ठूंस देना। विजय बेटा, हा? कल कहा था जेब में एक पैसा भी नहीं, आज ये पैसा कहाँ से आ गया? वो पगार है माँ। पगार? दफ्तर में पगार की तारीख पहली और दूसरी होती है, तुम जब चाहो ले आते हो। ये कैसा दफ्तर है तुम्हारा? वो कैंची। कैंची? माँ, वो कैंची ब्लेड वगैरह बनाने की दो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, स्टील प्लांट। ओहो, तुमको समझाना बहुत कठिन है माँ। अरे तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम ही समझाओ ना माँ को। सचमुच माँ, दोनों फैक्ट्री में हजारों आदमी काम पर लगे हुए हैं, सबको एक ही रोज पगार देना मुमकिन है क्या? आखिर करता क्या है? काम कोई भी हो माँ, भैया की कमाई से हमें रोटी मिलती है। हाँ हाँ, तुम सब लोग हमेशा इसके हाँ में हाँ मिलाते हो। मुझसे कोई पूछे बेटा क्या काम करता है तो क्या जवाब दूं? ओ माँ, अब, 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 अब मुझे ये बताने का हुक्म नहीं है माँ। कुशल मंगल है ना? अब मजे में होना पूछा। हाँ, हाँ। ये हमारा बेटा है ना? नहीं, मेरा बेटा है। ये तो बिखरे बालों और बहती हुई नाक से ही जाहिर होता है। मंत्र तो ठीक से दोहराओ, 15 ब्याह किए मंत्र नहीं आते। ए सुनो, पुरोहित ने फल वगैरह जो मंगवाए थे मंगवा लिए। अर्चना पात्र मंगवाओ ना। तुम खम्बे की तरह क्यों खड़े हो यहाँ पर? मालूम करो सब बारातियों ने नाश्ता किया या नहीं किया। तो खुद ही बाराती हूँ बीबी जी। मेरी तो मती मारी गई, मैंने सोचा शशि को भगाने वाले आदमी तुम ही हो। वो जिंदा दिल औरत कौन है मैं क्या जानू, वधु की रिश्तेदार होगी वो। क्यों बेटी, अभी तैयार नहीं हुई? हो जाएगी पिताजी, ये ब्याह मैं नहीं करूंगी। चुप रह, मुहूर्त में 20 मिनट बाकी है, मना कर रही है। वो 35 साल बड़ा है मुझसे, रुपए के लिए उसके गले बांध रहे हो। माँ होती तो ऐसा ना होता। वो होती तो और भी बुरा होता। चुपचाप तैयार होकर बैठो, ये ब्याह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तेरा ये ब्याह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? सचमुच बहन, तुम्हारी मर्जी के बिना ब्याह कैसे होगा मैं देखता हूँ। आप कौन
है। तुमने टाटा बिरला के नाम सुने हैं ना बहन? सुने हैं। टाटा बिरला अपने ही भाई बंधु हैं। नाम है स्टील प्लांट बावरा। नमस्कार बावरा जी। नमस्कार बहन। क्यों बहन, ये सारे आभूषण सोने के हैं ना? खरे सोने के हैं। जानकर खुशी हुई। जेवर उतार कर कपड़े में बांधो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। अरे ओ भोलू, सुबह से बोलते बोलते गला ही सूख गया मेरा। कोल्ड ड्रिंक मुझे भी पिलाओ। मुँह क्या ताकते हो? मैं बनारस की बावरी। बुद्धू, बचपन में तो मौसी मौसी कह के पल्लू पकड़ के घुमा करते थे। ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? वो भीतर होगी। रहने दो रहने दो। कुशल से हो ना? मेरा हाथ। सॉरी। आपकी वो नहीं आई? वो आई थी पर भीड़ में गुम हो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। अब आपसे मुलाकात हो गई। कहाँ से आदम की? बनारस से। बनारस की बावरी। आप कहाँ के हो? प्लांट का बावरा। मैं चली। तुझको चकमा दे दिया मैंने। बापरे, ये ठीक है। बापरे, मेरा सेल यही है ना? जमाई राजा, जरा अपना हाथ दो, चंदन लगाऊंगी। बाबूजी, मंगलसूत्र पहनाइए। कहाँ यहाँ तो नहीं है, मंगलसूत्र दिखाई नहीं पड़ता। ठीक से देखो तो सही। सच डैडी? ओफो, अंगूठे और सोने का हार भी दिखाई दे रहा है। ये बात है, ये ब्याह हरगिज नहीं होगा। उठो उठो। स्टील प्लांट बावरा, तुम्हारा एहसान कभी ना भूल। ए भाई, ये लो अपने रेशमी कपड़े। इनका किराया 5 रुपए है ना? इतने से क्या होगा? देखो भाई, ये बड़े साहूकार के कपड़े हैं, इसलिए तुम्हें 5 रुपए और देने होंगे। ए, इन कपड़ों को पहनकर फाइट नहीं की मैंने, शान से एक ब्याह में होकर आया। रख लो। बनारस की बावरी। ये लो बनारसी साड़ी। आज मेरे पास पैसे नहीं, ये पैकेट ले लो। इसमें क्या है? ये है फैंसी ड्रेस के लिए, मुझे अपने कॉलेज में मिला हुआ प्राइज। तुम ले लो। ऐसे कैसे चलेगा, मालूम तो पड़े पैकेट में कुछ है भी या नहीं। हाँ, खोल के देख लो। बावरी, वो ब्याह हो गया ना? अयो, ब्याह कैसे? कोई चोर आए मौके पर मंगलसूत्र उड़ा के फुर हो गया। हाँ, उसी मंडप में शरीफों के भेष में एक चोरनी आई, वर महोदय की अंगूठी और चेन उतार कर गायब हो गई। यही बात है? हाँ वही। मैम साहब, आपके कॉलेज में आपको प्राइस में क्या मिला? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल या निरोध मेडल? अरे बाप रे, मैं अभी आई। अरे सुनो सुनो, इस मेडल का मैं क्या करूँगा? इधर फेंको। सुनो, 15 मिनट में तुमको वापस आना है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना यार। बिल्कुल नहीं। आ जाऊंगा, गुस्सा क्यों करते हो? बनारस की बावरी। टी प्लांट बावरा। आइए आइए, ये बहुत अच्छा मॉडल है मैम साहब। ये सचमुच बहुत अच्छा है। कॉस्ट कितने का है? 10,000। 10,000। हाथ नीचे करो। आप मैजिशियन है क्या? यस, द ग्रेट मैजिशियन, पीसी सरकार से भी नामी हूँ। नाम है मेरा जुगनू सरकार। मैजिक दिखाइए ना। मैजिक? नो, हर वक्त मैजिक नहीं दिखाता हूँ। सर प्लीज मैजिक दिखाइए ना, प्लीज दिखाइए। प्लीज प्लीज। ओके फ्रेंड्स, ओके, आप लोगों की मर्जी है तो मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ये नेकलेस निकाल लिया ना, इसे अब इस कोट की जेब में ठूंस लिया ना, जेब के इस नेकलेस को मैं एक खूबसूरत महिला के दिल में से बाहर निकालूंगा। अच्छा, निकालिए। एक्सक्यूज मी मैडम। ओह, 1 मिनट रुकेंगे? कई काम करने हैं, अभी जाना है। अब मैडम, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओ नखरे मत करो,
तुमको मैंने खुद देखा नेकलेस ढूंढते हुए, फौरन बाहर ना निकाला तो मैं हार। घबराओ नहीं मेम साहब, घबराओ नहीं, ये जस्ट मैजिक है, मैजिक। अबरा के डबरा, डबरा के अबरा। डियर फ्रेंड्स, अपने हाथों को कहां तक पहुंचाऊंगा, कहां से मैं नेकलेस निकालूंगा, आप लोग मेरा जादू गौर से देखिए। मेम साहब, ये मुर्गी के बालों को जरा हटाइए। क्यों हटाओ, यहाँ क्या है? वहीं पे तो सारा मामला है। नहीं हटाऊंगी, क्या समझा है मुझको? हटाओ नहीं तो मेरे हाथ अपना काम शुरू कर देंगे। मुझे ये नेकलेस यहाँ पर कैसे आया? बहुत अच्छा है जुगनू, सरकार का जादू बहुत अच्छा है, लाजवाब। अरे जुगनू सरकार कहाँ उड़ गए? बॉस। ओ तो तुम हो। तुम्हारा नाम तो प्रांत के बच्चे बच्चे को मालूम है। आज का दादा, मैं तुम्हारी शागिर्द बनना चाहती हूँ, बनाओगी ना? ठहरो, तुम्हारे हाथ पाँव से जांग को छूते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जेब मारने का इरादा है तुम्हारा? ची 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 ची। चालबाजी मैं चालबाजी करूंगी? जुगनू सरकार बनके मेरा नेकलेस तुमने हजम किया, हाँ। तुम्हारे सामने मैं क्या हूँ? मुझे अपने दिल में जगह दो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। अरे बावरी, मैंने तुम्हें अपने दिल में इतनी सी जगह दे दी, मेरे साथ आओ, आओ ना। अच्छा, मेरे और तुम्हारे शुभ मिलन पर मैं तुम्हें दावत दूंगी। बेरा बिल्ला। बस बोलो तो इस बीच एक छोटा सा खेल खेलेंगे हम। खेल? वो भी दिन में सबके सामने? नहीं खेलूंगा, मुझे शर्म आती है। तुम क्या समझ बैठे बावरे, मैं बोली चित्त और पट का खेल। मैंने कुछ और सोचा था। बताओ। सोचा हम लोग मम्मी डैडी वाला खेल खेलेंगे। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं खेलेंगे। देखो, जो चित पड़ा तो मेरी जीत होगी, पटाया तो तुम जीतोगे, ठीक? तुम जीते तो मैं अपनी चेन दे दूंगी। तुम जीती तो मैं अपनी चेन तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, उछालो सिक्का। उछालो। मारे गए अब तो। मैं जीत गई। अब लाओ चेन, चेन लाओ, चेन लाओ, चेन। ये हमारा घरेलू मामला, आप लोग खाना खाइए। लाओ। अब हार गए तो क्या दोगे? इस बार भी हार जाऊं? ये लो। फिर उछालू रुपया? उछालो। फिर जीत गई। पर्स मेरा हो गया। और एक बार उछालू रुपया? अब देने के लिए बचा ही क्या मेरे पास? अब कुछ भी नहीं है बॉस। ये पैंट और शर्ट ही उतारनी पड़ेगी। परवा नहीं बॉस, तुमने पहने मैंने पहने की बात है। सही जा रही हो। क्या हुआ? हाथ चाटा था ना, उसकी बदबू है। बड़ी मूर्खो, उधर बाथरूम में जाकर हाथ साफ कर लो। अभी जाती हूँ। और कुछ तुम्हें चाहिए तो मंगवा लो, पैसे मैं दे दूंगी। ए, बाथरूम उस तरफ है। अच्छा अच्छा, मैं होके आती हूँ, तुम मंगवा लो। जी, मेरी घरवाली बाथरूम गई है, रुपयों की कंट्रोलर वही है। घरवाली? हाँ। यानी वो महिला जो साथ में बैठी थी? हाँ, वही मेरी बीवी है। आपकी बीवी भी कैसी है सर, वो तो हाथ धोकर बहुत पहले बाहर भाग गई। भाग गई क्या? इधर चित, इधर भी चित। बनारस की बावरी, गुरु को ही धोखा दिया तुमने। पैसे निकालो, मुझे और भी काम है। बोल दिया, पैसे मेरी बीवी के पर्स में है। तुम बोलते हो कि वो भाग गई है, उनसे पैसे लेकर मैं भी आता हूँ। बहकाओ नहीं, तुम भी भागने के चक्कर में हो प्यारे। मेरा विश्वास करो, मैं अभी आता हूँ। विश्वास नहीं करता, चल रहे। ओफो, मेरे कपड़े कौन ले गया? आई देखो राजलक्ष्मी, दिल के नगर की श्री महालक्ष्मी, रानी बड़ी सयानी है, ये मेरी दिल जानी है, है। जब से तुमको दिल दिया है, जाने हमको क्या हुआ है, दिल है बेचैन जम पागली। अपने दिल की बात कह दो, आंखों से ही बोलो जी, अरे रे ओल दिली शर्मिली, होंठ अपने खोलो जी, ओ गुस्से वाली ओ नखर वाली, धड़क धड़क दिल तड़प रहा है, जब से तुमको दिल दिया है, जाने हमको क्या हुआ है, दिल है बेचैन चंपा कली ली ली। देख लिया। Thank you.
तेरी मुट्ठी में तू ही दिल की धड़कन है, ये गवारा बदन तेरा गुलकली का गुलशन है, आ कह दे रानी नाचे की ये जवानी। बादल में बिजली चमकी या नैनों में नाचे खुशी, होंठ चबाकर शोक नजर से हमको क्यों देखे हंसी, काले रसगुल्ला हंगामा बरपा दे तू। मुस्कुरा के तुम राजा किस किस का बजाओगे बाजा, आऊं आज लगा के आई आहा सोया सिंगार किया, जब से तुमको दिल दिया है जाने हमको क्या हुआ है, दिल में बेचैन आंखें खुली, अपने दिल की बात कह दो आंखों से ही बोलो जी, हाथ पकड़ो हाथ जोड़ो होठ अपने खोलो जी, ओ दिल मालिक रंग जमालिक धड़क धड़क कर कहता है दिल, जब से तुमको दिल दिया है जाने हमको क्या हुआ है, दिल है बेचैन आंखें खुली। पॉकेट मार का नाम क्या है? विजय बाबू सर। हाँ विजय बाबू, वो हमारा स्पेशल एजेंट है, उसके अपॉइंटमेंट के नकली कागज बनाकर सुरक्षा विभाग में पहुंचा देंगे, वहाँ काम करने वाला उसे असली समझकर ये खबर टाइगर गिरोह वालों को दे देगा, तब उस पॉकेट मार के पीछे पड़ जाएंगे वो लोग और हमारा असली एजेंट अपना काम और भी आसानी से करने में कामयाब होगा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। सर ये स्पेशल फाइल आयरन रूम के लॉकर में रख दो, कीप इट सेफ। यस सर। अरे ओ भाई, तुम दोनों जेब के पास ड्रामा खेल रहे हो। हम दोनों ड्रामा एक्टर हैं। ड्रामा रिहर्सल हो रही है भाई। पर तुम दोनों एक्टर नहीं लगते हो, तुम तो पॉकेट मार लगते हो। हम दोनों पॉकेट मार लगते हैं। प्ले ऑफ फुटबॉल। ड्राइवर बस रोको। हाँ रोको, बस रुको। अरे बाप रे, मेरा पर्स गया, मेरा पर्स ले गया। रुपए देखे तुमने? ये देखे? एक थप्पड़ लगाऊंगा। हाथ नीचे करो, नीचे।
ये सोच के औरत तो छोड़ दिया, नहीं तो औरत को इतना कमजोर ना समझो। औरत अगर भड़क गई तो क्या करेगी? दिखाओ। देखोगे क्या? दिखाओ। चुम्मा दिया? मुझे लगा चुम्मा दिया तुमने। लड़ते लड़ते और लड़ेगी, बोल बावरी और लड़ेगी। मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। ए, 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 क्यों पीछे पड़ा है? रेप करने का इरादा है क्या? इसको समझाइए ना, मुझे रेप ना करे। मैं रेप करूं या माफ करूं आपको क्या, मेरी बीवी है, मेरी मर्जी। ये बीवी है तुम्हारी? हाँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, रेप के केस में बुक करके जेल में ठूस दूंगा। हाँ, हम दोनों को ठूस दो, हम दोनों जेल में बसकर बच्चे पैदा करेंगे, तुम उनसे चोर पुलिस खेलना। क्यों मेरी धर्मपत्नी? अरे ओ ठहर जा, पति पत्नी होंगे सिर्फ ये बोलने से मुझे यकीन आएगा क्या? मुझे तो सबूत चाहिए, मेरे सबूत। तुम लोग बहुत शक्की हो, हर बात का सबूत चाहिए तुम्हें। हिलो मत, सबूत चाहिए इसको, ऐसे ही खड़ी रहो। काफी है, गोली सोड़े के माफिक आवाज हुई। मैं मानता हूँ तुम दोनों पति पत्नी हो, मैं चला। ए, क्या तमाशा है, वो बोला कि उसे सबूत चाहिए और जोश में आ गए तुम तो। उसको विश्वास दिलाने के लिए सब किया, सच नहीं था। चलता हूँ। ए, यानी था प्यार नहीं था? चलो हटो, मैं अच्छी लगी तभी तो मुझको चूमा। बाप रे, तुझे कौन चाहेगा? मुझ में क्या कमी है? कमी है तुम्हारी आंखों में, समझी? मुझे मालूम था तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ेगी, वो पड़ भी गई। जो हुआ सो हुआ, हम दोनों ने मिलके भोजन किया, आज से हम दोनों मिलकर पर्स मारेंगे लोगों के। आ? तेरा तेरा मेरा मेरा, व्यापार व्यापार है। हाँ, फोन दी, एक बला है। हेलो, बंटी स्पीकिंग, आप है? जस्ट मिनट, सुनो शिला, तुम जरा बाहर जाओ। क्यों डियर, जलते पटाखे की तरह जोश में लाकर भीगे पटाखे की तरह बाहर भेज रहे हो? तुम ज्यादा बोलोगी तो आटा बम से उड़ा दूंगा, फोन पे गोलाबारी हो रही है, तुम जाओ 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 जाओ। यस तेजा, कितने बम चाहिए? ओके, घबराओ नहीं, काम हो जाएगा। वेल 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 माय फ्रेंड्स, स्वेटर हार्ट दोनों लेकर आए तुम लोग? रोके, ओपन दिस बॉक्सेस। हम लोग तो पूरी वफादारी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सिर्फ आप हमें रुपए देने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। तुम चुप रहो राम भाऊ, मैंने रुपयों की बात नहीं बोली, प्यास लगी तो पीने। यही ना, ये कहने में हिचकिचाते क्यों हो? लो आ गई कोल्ड ड्रिंक, पियो। लुक माय फ्रेंड्स, एक आदमी सुरक्षा विभाग के भेद देता है, दूसरा देश का नाश करने वाले पावरफुल बॉम्ब्स लाखों की तादाद में सप्लाई करने वाला है। आई एम लकी, रुपयों की बिल्कुल चिंता मत करो। हैव योर ड्रिंक्स। जाए बजरंग बली। सर, इस बार राम बाबू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेके हाजिर हुए हैं, देखिए। नाम चक्रपाणी, टाइगर गिरोह को पकड़ने के लिए सीबीआई की तरफ से एजेंट मुकर्रर किया जाता है। वेल मिस्टर राम बाबू, मैं खुश हूं कि तुमने इतनी अहम खबर हम लोगों को दी, कंग्रेचुलेशंस। रॉके, सीबीआई डिपार्टमेंट ने हमें पकड़ने के लिए उस नए एजेंट को नियुक्त किया है, यानी उसे हमारे हाथों मारे गए एजेंट मुकेश के इकट्ठा किए हुए भेद जरूर मालूम होंगे, इसलिए फौरन उसका पता मालूम करो, कैसे भी फांस कर यहां ले आओ।
उससे वीडियो फिल्म के बारे में मालूम कर लूंगा। बस सुनो, मुझे चुमा दोगी? छी, उधर देखो बातों में मशगूल सूट बूट वाले दो बाबुओं को, देखो हाथों की सफाई। तुम रुको, मैं निपटता हूँ। सुनिए भाई साहब, ये 100 रुपए का नोट गिर गया है, शायद आपका है। मुझको मालूम है मेरा नहीं है। तो फिर मेरा होगा। तुम्हारा ही होगा नोट, रुपयों को ऐसे ना फेंको, ले लो। जेब खतरों से हमेशा होशियार रहना भाई। ठीक है। चल। बहुत खूब, जेब खतरों के बारे में हमें बता रहे हो। इसमें कितने रुपए जरा गिन लो, हमारे 100 हमको मिल गए। ये तो बिल्कुल खाली है। अरे ओ, आजकल लोग सूट बूट और शो में ज्यादा रुपए फूंकते हैं, ऊपर से भरे भीतर से खाली। कागज है बस, फाड़ के फेंक दो। कुछ लिखा हुआ है इसमें? हाँ, तुम फौरन अड्यार पार्क होटल में रूम नंबर 401 में जाओ, वहाँ जो सूटकेस रखा हुआ है उसको उठा लो। उठा लिया। क्या है? हिम्मत तो कर रही हूँ बॉस, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मत, ये दिखा रहा। काफी बड़ा होटल है, अंदर तो जा रहे हो पर वापस लौट पाओगे क्या? बोलो, एकदम बोनी हो जाओगी, क्या समझाया मुझको? डरपोक, इस तरह कब तक जेबों को काटते रहेंगे हम लोग? जीवन में खूब पैसा कमाकर ऐसा होटल बनवाना है? होटल बनवाना है तो रिस्क तो लेना ही होगा ना हमें। मैं रूम में जाकर फौरन वापस आता हूँ, तुम मेरी गाड़ी के पास बैठो। यही है, दरवाजा भी खुला हुआ है। बाथरूम क्लीन क्यों नहीं किया गया? यही सूटकेस है, बुलाने वाले महोदय ने यही रख छोड़ा है ना लक्ष्मी देवी? इसमें 4-5 लाख तो जरूर होंगे, उठा लो, यही बढ़िया चांस है। मिस्टर चक्रपाणी, तुमको बुलाते हैं, बोलो ना। ज्यादा समझदार ना बनो, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। अरे तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो। चक्रपाणी 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 चक्रधारी वगैरह बुलाओगे तो उखड़ जाऊंगा मैं। मेरा नाम विजय बाबू है, चाहो तो सिर्फ विजय कह के पुकारो। बको मत, नीचे देखो। ये क्या है? मतलब नकली तमंचा है, अपने बच्चे के लिए ले जा रहे हो? बढ़िया है। कितने का है? 1 रुपए का 2 रुपए का? ए बकवास की, तो ये पिस्तौल और चाकू दोनों काम दिखाएंगे अपना। ए भाई सुनो, तुम चाकू क्यों घिसड़ते हो? मुझको चोट लग जाएगी, गुदगुदी महसूस होती है मुझको। बनने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चुपचाप चलो। इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ? पीटर सैमुअल। शट अप। सुनो पापे, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं चक्रपाणी नहीं, मैं नटवर लाल नहीं, फ्रॉड सोबराज भी नहीं हूँ। अजी मैं हूँ विजय बाबू। लगता है मुसीबत की जड़ ये बॉक्स है और कुछ नहीं, इसे ले लो। उधर मेरे इंतजार में होटल के बाहर मेरी बुलबुल बैठी होगी, मौका पाकर मेरी जवान बुलबुल को कोई पकड़ कर ले गया तो बोलो मेरा क्या होगा। मैं चलता हूँ। अच्छा बच्चों, मैं चला। स्टॉप। बाप रे, मैंने तो कुछ चुराया भी नहीं, तलाशी ले लो आप लोग। अब देख लो, देख लो। माय डियर चक्रपाणी, फिर उसी नाम से पुकारा? सुन लो, मुझे चक्रपाणी विष्णु चक्र कह के पुकारा तो तुमको उल्टे सुलटे नामों से पुकारूंगा, समझ लो। वो नाम नहीं तो फिर चक्रपाणी नाम का सूटकेस तुम्हारे पास क्यों है? चक्रपाणी के रूम में तुम क्यों थे? चक्रू चक्रू। मुकेश वाला वीडियो कैसेट कहाँ छुपाया है? बोलो बोलो। चप्पल से मारूंगा, समझते क्या हो? अब तक झूठे नामों से तुमने मुझको धमकाया, चाकू और पिस्तौल से डराया मुझको, अब पूछते हो वीडियो कैसेट कहाँ छुपाया है? तुम्हारी ये बदतमीजी मैंने बहुत बर्दाश्त की है, मेरे गुस्से का पारा ऊपर चढ़ रहा है, अगर गुस्सा बहुत बढ़ गया तो मैं तुम लोगों को। खूबसूरत मूर्ति तोड़ डाली तुम लोगों ने।
अरे ओ दरियल, इस सोफे को देखा, ये मेरे खाते में नहीं, इनके खाते में लिख लो। अरे ओ दरियल, मुझे मत पिलाओ, मुझे पीने का शौक नहीं है, चाहो तो कोल्ड ड्रिंक पिला दो मुझे, अब मैं नहीं पीऊंगा। इतना क्या? वही वेट। मैं चक्र पानी हूँ, अगर किसी ने बोला मैं चक्र पानी नहीं हूँ तो उसकी जबान चीट लूंगा। कलकत्ता के काले गैंग का सफाया तुमने किया? यस, मैं नहीं, और भी पांच छह गैंगों का सफाया करना चाहता हूँ, पर टाइम ही नहीं मिलता आजकल मुझे। तेरे पास वो कैसेट है? ओ बेशुमार वीडियो है अपने यहाँ तो, कितने चाहिए तुमको बोलो, मुफ्त में दे दूंगा तुमको। मेरे पास हिंदी आर्टिस्टों के हैं, फॉरेन आर्टिस्टों के हैं, बता किसके चाहिए। मुझे सबके चाहिए, देगा मुझे? ओ यस यस यस, वीडियो कैसेट जिसको चाहिए हाथ उठाओ। ओ देख लो, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? इनको दे देने के बाद अगर तूने मांगा तो नहीं दूंगा, समझे? हाथ उठा, पहले मुझे कैसेट दो। देता हूँ, उतावले मत बनो, चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ। Stop it, Mike! इतनी जल्दबाजी में तुमने मुकेश कुमार की बहुत बड़ी भूल की, अब इसको भी खत्म किया तो फिल्म मिलनी असंभव है। पर वो हमसे बच के भाग रहे थे ना? वही चक्रपाणी है, फिल्म भी उसके पास मौजूद है, भाग के जाएगा कहाँ? My dear चक्रपाणी, चाहे जहां भी तू जाए मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। का मालूम होती है, बोर्ड पे चढ़ गए। बाप रे, ये तो मेरी माशूका है, आजा सनपुतली खेलेंगे, नीचे उतरा, ऐसे ऐसे, अच्छा अच्छा, अब मजा आएगा। इश्क है ना।
मैं तेरा मोतीचूर खाएगा चक्कर खाएगा मीठा हलवा खाया है सब कुछ पचाया है मैं एक ज्वाला हूँ हाँ अपना तुम मैं निराला हूँ ये देखो नेम प्लेट अब मेरी बात का विश्वास आया नेम प्लेट को सबूत कैसे मान लूं यही कह रहे आइए आइए पापे ये अरे तुम हो कल रात खैरियत से पहुंच गए थे ना बहुत पी ली थी तुमने नशे में घर कैसे पहुंचोगे ये सोचकर बहुत परेशान थी मैं खैर जाने दो ये पुलिस तुम्हारे साथ क्यों आई है क्या इंस्पेक्टर क्या मामला है इंस्पेक्टर जी मैडम हाँ? इस विजय को जानते हो ये भी कोई सवाल है आप भी खूब हैं मेरी फैमिली फ्रेंड है ये हर रोज मिलते हैं कल रात भी आके इंस्पेक्टर बोलता हूँ भीतर आइए आपको आपको बाकी सबूत भी दिखाता हूँ रात को मारपीट के दौरान जो खूबसूरत मूर्ति टूट गई थी उस मूर्ति के टुकड़े ये तो बिल्कुल साबुत है कोई निशान भी नहीं है मूर्ति पर करेक्ट रातों रात मूर्ति भी बदल दी उन्होंने कल हम सब के गिरने से इस सोफे के हिस्से अलग अलग हो गए थे अब ये भी बिल्कुल ठीक है अच्छा भला तो है तुम उसी पे तो बैठे हो ना क्यों बोले टूट गया हाँ इसको देखो इसके भी मैंने पीस पीस कर दिए थे और चक्की पीसने आए थे अरे नहीं ये भी तो ठीक है जलाकर देखता हूँ जलता या नहीं हाँ उसको देखो उससे मैं सबका भाड़ा फोड़ूंगा इस अलमारी में से उन्होंने बोतल निकाली और सच बुलवाने के लिए मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई दिखाता हूँ आपको देख लीजिए
हंसते क्यों? क्यों ना हंसे, तुम ही देखो। ये क्या हो गया? मिस्टर विजय, तुम्हारी बताई हुई बात का कोई सबूत नहीं मिला। ये बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझको ये मकान सौ फीसदी मायावी मालूम होता है। यहाँ से उल्टा पुल्टा पुल्टा उल्टा। सर सर सर, मेरी बात तो सुनिए। वकील साहब आप ही समझाइए। चलो कहाँ? थाने। क्यों? बंद होने के लिए। बंद किया तो मैं सबूत कैसे दे पाऊंगा? वकील साहब आप कुछ देने वाले थे? इंस्पेक्टर मैं बेल देता हूँ, छोड़ दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, गिव इट अप बट बी केयरफुल। ओके, वो गुड क्या है बोलिए सर? हमारा एजेंट उस गिरोह का विश्वास पात्र बन गया। उन लोगों का दोस्त बनकर उनके भेदों की खबर जल्दी ही हमको दे देगा। मेरा पेश किया हुआ आइडिया हमेशा वंडरफुल होता है। अच्छा, बोलते तो ऐसे हो जैसे ये गुमान है तुमको कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारे आइडियाज का मोहताज है। उस एजेंट को अपॉइंट किया मैंने, भेजा भी मैंने। सर बढ़िया चाय मंगाऊं सर? ये हुआ गुड आइडिया। ये आइडिया भी मेरा है, मत भूलिए। ठीक है। जय बजरंग बली। अपने बजरंग बली की कृपा से सबकी नजरों से बचाकर ये प्लान मैं ले आया हूँ। कुछ विदेशी राजदूत हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ कला भारती में कल 9 बजे कल्चरल प्रोग्राम देखने पहुंचेंगे। ये भी कोई बड़ा सीक्रेट है? दुनिया भर को मालूम है। जय बजरंग बली। सुनो पंटी, मेरी पूरी बात सुने बिना मालूम है बोलोगे तो हमारे बजरंग बली क्रोधित हो जाएंगे, पूंछ से तुमको मारेंगे। रामबाहु तुम मुझे पूरी बात बताओ। उन सब के पहुंचने के बाद कला भारती के चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स कहां खड़े होंगे, बॉम्ब डिटेक्टर्स और मेटल डिटेक्टर्स वगैरह कहां होंगे, बॉडीगार्ड्स कहां खड़े होंगे, सारा ब्योरा इस मैप में मौजूद है। इसको सावधानी से समझकर फॉलो करने से सिक्योरिटी को धोखे में रखकर विदेशी मेहमानों को उड़ा सकते, यही बात है ना? इस प्लान से हमारा क्या फायदा डियर? ओ माय लिटिल डॉल, फॉरेन डेलीगेट्स की सुरक्षा का पूरा प्रबंध न होने की वजह से यूएनओ में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। नतीजा गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सुनो या फिर बताओ, चलो चलो। माय पास। इसीलिए ऐसे पास बहुत संभाल कर रखा करो, यहाँ जेब कतरे घूमते रहते बहन, मैं किस किस को बचाऊं? चौकी बताओ। चौकी नंबर 2। कोई मर गया क्या? नहीं, सिर्फ हो क्या रहा हूँ भाई। अफसर हो, जरा डिसेंसी बरतनी चाहिए तुम्हें। वो क्या पहन लो। सॉरी सर। चक्रपाणी का बच्चा यहाँ भी आ पहुँचा, देखता हूँ इसे। एक्सक्यूज मी, यस, आप फिल्मों में काम करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्या लड़कियों की चढ़ने आए हैं? यहाँ हम लोगों का प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको एक बात बताऊं? क्या बात? यहाँ जेब में हाथ डाल के मत घूमो। लेकिन मेरी आदत है। ठीक है, कम से कम हम पुलिस वालों की बात तो मान लो। ओके, सॉल राइट इट, सॉल राइट। ओके, मेरा पर्स। कौन था वो मशहूर एक्टर चिरंजीवी जैसा था, पर्स मार लिया। ए बेबी, तुम मिस्टर गोपाल शर्मा की बेटी हो? जी नहीं, गोपी राम जी की बेटी है। ओ, गोपी राम जी की। जब इसको देखा बहुत छोटी सी थी, काफी बड़ी हो गई है। ये बताओ बिटिया की शादी हो गई? परसों ही इसका ब्याह हुआ। जान के खुशी हुई, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। वो बेटी तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे पिताजी के दोस्त लगते हैं। दीर्घ सुमंगली भव। उठो बेटी उठो, ये खुश हो गया। अबे ओ कांस्टेबल, आंखों को क्या हो गया, थोड़ा देख के चला करो। तुम हो आप तुम आप आप क्या बोलते हो? आप किस चौकी के हैं सर? इसी चौकी, इसी शहर, इसी स्टेट, इसी देश का हूँ। ये सब बकवास छोड़ो और वहाँ पर जाकर अपनी ड्यूटी करो। चलो फौरन। मुझको पहचान लिया शायद, इसी में समझदारी है, यहाँ से भाग चलो। अगली कहेगी वो बोलती है मुझे अपना बना लो ना देवी, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं ये मुमकिन है भला? मैं आता हूं, मैं आ गया देवी, तुमको अपना लूंगा। कोई पगला भ्रू करने गया, ऐसे यहां छोड़कर भूल गए। क्यों देखा? ये एजेंट बहुत होशियार है, इंस्पेक्टर बनके मालूम कर लिया सूटकेस में बम छिपा हुआ है। वही पॉकेट मार है, आप गौर से तो देखिए। ब्रीफकेस चुरा लिया। पकड़ो पकड़ो, पीछे पुलिस है,
देवी तुम यहीं छुपी रहो, बाद में आकर ले जाऊंगा। डैम इट, मेरा प्लान फेल हो गया। हमारे लोग हमारे ही बम का शिकार हो गए। ये कंबक चक्रपाणि का काम है। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट आई से। माइक, आई वांट टू सी हिम नाउ। उसे किसी भी तरह एक बार मेरे पास ले आओ, उसको मैं सबक सिखा देता हूं। ओके, गो। ये पद्मा है, मेरी छोटी बहन। बिटिया लक्ष्मी समान लगती है, मुझे तेरा सिलेक्शन पसंद आया। हाय, ये बताओ कब आए? अभी अभी। अरे रे रे रे, क्या बात है, मेरी बहन का ब्याह पक्का होने की खबर सुनकर नारियल फोड़ने आ गई। क्या इतना प्रेम है उससे? प्रेम तो है, लेकिन मेरी नारियल फोड़ने की वजह कुछ और है। क्या है? तुम्हारी बहन का ब्याह पक्का हो गया। हाँ। वैसे हमारा ब्याह भी पक्का कराने की अभिलाषा लेकर मैंने गणेश भगवान की पूजा की। क्या तेरा मेरा ब्याह? और क्या, तू भी खूब है। रोड पर मुलाकात हो गई तुझसे और चंद रोज हंस के काटे ब्याह की सोच ली। ब्याह और तुझसे? विजय, सचमुच नहीं करोगे? मैं ही करके दिखाती हूँ तुम्हें। आत्महत्या। अजीब लड़की है। तेरे लिए रात दिन क्या क्या न सपने बुने। प्यार का तमाशा दिखाएगा। हर बात तेरी है सर आँख पे। आशिकाना रुत है आओ चले, आशिकाना रुत है आओ चले। माहिया तेरे लिए रात दिन क्या क्या न सपने बुने। मोहब्बत जवां है जवान मैं हूँ, जो मांगे तुझ पे निसार कर दूं। जीवन की खुशियाँ तुम्हारे लिए, बागों बहारा तुम्हारे लिए। तुम्हारे ही यादों में जीती हूँ मैं यार, मरती हूँ मैं। हाँ, दूर दूर से तुम बुलाते रहे, इंतजार बरसा करवाते रहे। जाने क्या दिल ये कानों में बोले, तेरे लिए मैं दीवाना बना। आवारा आशिक मस्ताना बना, आवारा आशिक मस्ताना बना। अरे ख्यालों में गुम हूँ तेरे, जवान हूँ हाथ ना आऊं तेरे। माहिया तेरे लिए रात दिन क्या क्या न सपने बुने। सुनता रहूं गीत सातों जन्म, सूरत पे तेरी है लाखों सितारे, तुम रहे गाल सारे नजारे। चुपके से आके दिल में समा के, हलचल मचा मेरे
न सपने बुने। आशिकाना रुत है आओ चले, आशिकाना रुत है आओ चले। अरे ख्यालों में गुम हूँ तेरे, जवान हूँ हाथ ना मेरे। माहिया तेरे लिए रात दिन क्या क्या न सपने बुने। ओए मुन्ने, क्या बात है, तुम्हारा पर्स वाला व्यापार फूलों में बदल गया। सुनो विजय बाबू, मनुष्य को अगर सही कामों से एक रुपया भी मिल जाए तो काफी है, जो उनके रास्ते से वो करोड़ों भी कमा ले तो मन की तृप्ति ना होगी। तुम भी बगल में दुकान खोल लो। खोल लूं ब्लाउज चोली की दुकान? छी, तो फिर क्या करूं मैं, कैंची वाले हाथों से फूल और गट्ठर कैसे पकड़ूंगा तुम्हें बताओ मुझे। तुम औरत हो, तुम्हारी मुस्कान की कीमत भी देंगे लोग। मैं मर्दू, मेरे पास कौन आएगा। हर बात का मजाक उड़ाते हो। जो मजा मेहनत से रुपया कमाने में है, खतरनाक काले कामों से कमाने में नहीं। इसलिए तुम भी आज से कोई नौकरी वोकरी कर लो। जरूर कर लूंगा, लेकिन नौकरी देगा कौन, ऐसे कौन बुलाएगा, तुम्हें जाकर मांगनी पड़ेगी। अच्छा, ए बाबूजी, मुझे बढ़िया सी नौकरी दे दीजिए। बेखारी के वीराने में नौकरी कहाँ मिलेगी। भैया सच में तुम्हें नौकरी चाहिए? अवश्य। बंसल रोड पे गोविंदराज कंपनी को एक आदमी की जरूरत है, चलो तुम्हें नौकरी दिलवा दूं। आप? मैं वही काम करता हूँ। काम दिलवा देंगे, जाओ। आओ भैया, वो बैठे हैं, उनसे मिल लो। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। किसी ने बोला कोई जगह खाली है यहाँ। नौकरी चाहिए? बहुत सी है, करोगे? जरूर करूंगा। ओए, वो वीडियो फिल्म कहाँ छुपाई है, बोलो मिस्टर चक्रपाणी। फिर चक्रपाणी कहा? ओ, यानी तुमने चालाकी से बुलवाया मुझे। वीडियो फिल्म चुपचाप दे दो मुझे। फिल्म या मुर्गी का अंडा? ए, वीडियो का भेद मालूम करो इससे। We'll be right back.
फिल्म चाहिए फिल्म। बलराम सर, वो पॉकेट मार हमारा एजेंट है, उस गिरोह को विश्वास हो चुका है। यस सर। वो पॉकेट मार भी खूब नचा रहा है उनको, मोस्ट ब्रिलियंट फेलो। सर आप में बहुत बड़ी कमी है सर। कमी क्या है? मैं जब भी आइडिया देता हूँ बौखला जाते हैं, मेरा आइडिया अपनाते हैं पर मुझको पता ही नहीं देते हैं सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। इस शुभ अवसर पर एक और बढ़िया आइडिया दूं सर? हाँ दो। उस पॉकेट मार के मूवमेंट्स को मालूम करने के वास्ते हमें बहरूपिया बनना होगा। आपको मछली वाली बनना होगा, मतलब नाक पे होगी नथनी, सर पे होगी तो। पहले ही दिन पसीने पसीने हो गए जनाब, मुझको विश्वास है तुम जरूर ऊपर आओगे। आई है मुझे मेरी तकदीर बताने वाली, अपना मुंह शीशे में देख। अरे बापरे क्या हुआ? अरे उस रोज जो आदमी होटल में मिला था ना, हाँ? वो आदमी टिम्बर यार्ड में आज फिर मिल गया। फिर क्या हुआ? बोला ओ चक्रपाणी वो वीडियो कहाँ है, वो फिल्म कहाँ, कहकर मुझ पर टूट पड़ा। और तुम चुप रह गए? मैं और चुप रहूं? फाट फाट उसका बाजे बजा के रख दिया। अच्छा किया तुमने। खैर वो नौकरी की बात करने वाला उल्लू का पट्टा कहाँ गायब हो गया? वो तुम्हारे साथ नहीं था क्या? तू बड़ी समझदार है ना, उस फ्रॉड के साथ भेज दिया मुझको। बाप रे वो ऐसा आदमी था, मुझे क्या मालूम, पहली बार ही देखा उसको। उसे छोड़ो विजय, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? कौन सा? फूलों के लिए सुबह एक आदमी ने ऑर्डर दिया, अब तक नहीं लौटा। उसका एड्रेस है वो बिसेंट रोड बंगला नंबर है 14। इसे देकर पैसा ला दो ना बावरे। क्यों रे, मुझको नौकरी नहीं मिली तो तेरी नजरों में गिर गया हूँ क्या? बावरे मेरे प्यारे बावरे, ऐसा ना सोचो मेरे प्यारे। रिक्शा आपके पते पर पहुंच गए। पहुंच गए? अरे बाप रे, ये क्या पीटर सैमुअल के घर ले आए? अब सुनो अंदर चलो, भीतर चलो भीतर। ए भैया कब से इंतजार कर रहा हूँ, फूल लाने में देर क्यों लगा दी तुमने? अरे भाई ये भी तो ले जाओ है? काफी सारे लोग जमा है, क्या हो रहा है यहाँ पर आज? फंक्शन भैया फंक्शन। छह महीने के बाद फॉरेन से पीटर सैमुअल साहब के लौटने की खुशी में फंक्शन हो रहा है। यानी वो पापे श्रीमान पीटर सैमुअल अंदर मौजूद है क्या? उन्हीं के सम्मान में फंक्शन हो रहा है और तुम पूछ रहे हो मौजूद है? आप? मैं कौन हूँ आपको मालूम नहीं? माफ कीजिए आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा इस और आइए। ओके। हेलो सर। हेलो इंस्पेक्टर, जस्ट अ मिनट आई विल कम बैक। ओके आइए। काफी अरसे से आप यहाँ नहीं थे मालूम होता है। हाँ, छह महीने पहले अमेरिका गया था, कल ही लौटा हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में इस कोठी में कौन लोग रहते थे? कौन रहता था? मेरा बूढ़ा नौकर, कार ड्राइवर, दैट्स ऑल। मगर आप ये सब किस लिए पूछ रहे हैं? आप जब अमेरिका में थे तब इस कोठी में बहुत से हादसे हो गए पीटर साहब। व्हाट डू यू मीन, ये क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, कुछ हत्यारे आपकी कोठी में आकर ऐसे जम गए जैसे ये कोठी उन्हीं की हो। मुझे पिस्तौल और चाकू के बल पर यहाँ लाए, पूछा वो फिल्म कहाँ है, किस जगह छुपाई है, बहुत परेशान किया मुझे। मिस्टर तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है। झूठ नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अपने को आपकी पत्नी बताकर एक औरत ने मुझसे और एसआई से बात भी की थी। माय गॉड, मेरी पत्नी? मेरी पत्नी को तो मरे 10 साल हो गए, मामला काफी सीरियस मालूम होता है। कौन है एसआई? चलो फौरन उससे मिलना जरूरी है। माय गॉड सर, बाद में बताऊंगी, पहले अंदर बैठो।
आओ, यहाँ न कोई है न कोई आएगा, चिंता मत करो। क्यों बचाया मुझे? मुसीबत में थे इसलिए। मुसीबत में फंसे लोगों को बचाना आपका स्वभाव है। मैं सबको क्यों बचाऊं? तुम्हें बचाने की इच्छा ही बचा लिया। असल में आप मुझे क्या समझ रही हैं? समझ रही हूँ कि तुम मेरे ही आदमी हो। मुझको अपना आदमी समझ लिया? अब मैंने आपको पहले देखा ही नहीं कभी। मैं तुम्हें बहुत पहले देख चुकी हूँ। मैंने जब आपको देखा ही नहीं तो आपने मुझे कब कैसे और कहाँ देख लिया बोलिए। आंखों ने तुम्हें देखा, मेरे मन ने चाहा तुमको, रग रग में समा गए तुम। अपनी समझ में आपकी ये बात नहीं आ रही। कब मुझको देखा, कहां पे देखा, मैंने ये पूछा और आप मुझको? कला भवन में डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेने आए थे तुम, मैंने पहली बार तुम्हें वहीं देखा, तुम्हें देखती रह गई, मोटर बाइक पर तुम्हारे साथ बैठी, मेरा रोम रोम खिल उठा, वर्षा हुई तो तुम्हारे प्रेम में मैं सराबोर। मुझ पर मत गिरना, मैं तुम्हें तुम्हारा दिमाग कहीं? मुझे पागल समझते हो? प्रेम का मतलब पागलपन है, तो मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम मेरी सांसों में बस गए हो। बस बस बस, सोचा पुलिस से बचाने के लिए मुझे यहाँ पर लाई हो, पर यहाँ तो बात फांसने की हो गई, मैं चला। राजा। हा? ये क्या, कुत्ते को पुकारा? नहीं तो। हा? तुम्हें? मुझे? क्या बात है, अपनी मर्जी के मुताबिक हर कोई नए नाम से पुकारता है मुझे। हा? उस शोहदे की औलाद ने मुझे चक्रपाणी नाम देकर कीचड़ में फंसा दिया था, अब तुम मुझे राजा नाम देकर किस गड्ढे में फेंकने वाली हो? देवी बोलो क्या चाहिए मुझसे? अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे मेरी तस्वीर मुझे देखे बगैर इतनी बढ़िया बनाई, वाह भाई बन गए। अरे तुमसे यही बोला ना, तुमने तस्वीर बहुत बढ़िया बनाई और इसके लिए तुम रोने क्यों लग गई? इसी राजा से मैंने प्रेम किया। कहीं ये मुझे राजा समझकर तो नहीं लाई यहाँ पर, अब बिल्कुल मेरे जैसे ही है ये तो। इसीलिए मैं तुझ पे रीझ गई हूँ, मेरे प्राणों का प्राण ये राजा है, हम प्रेम दीवाने थे, भगवान को साक्षी मानकर ब्याह करने की सौगंध खाई थी हमने। ब्याह के 10 रोज पहले राजा को गलती से उग्रवादी समझकर पुलिस ने उसका पीछा किया और मार डाला उसको। मैं गम के समंदर में डूबी हुई थी और जब राजा का रूप तुमने देखा तो मुझ पर पागलपन सवार हो गया, मैं अपने होश खो बैठी। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? बुरा मत मानो तो मैं तुम्हारा एक बोसा ले लूं, मेरे दिल की सुलगती हुई आग बुझ जाएगी। मैं जब भी दुखी होती थी अपने राजा का मुंह चूमने से दिल ठंडा हो जाता था। अब आग बुझाने का यह तरीका नहीं जमा, तुम कुछ और? नामुमकिन। जब तक ये पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है तब तक तुम्हें यहाँ रहने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं, रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरे बेटे ने हत्या की है मैं कभी नहीं मानूंगी, वो हम लोगों के पेट के वास्ते छोटी मोटी चोरियां कर सकता है, हत्या कभी नहीं करेगा बाबूजी। आई एम सॉरी, उसके हत्यारे होने के सबूत हमको मिल चुके हैं, पाताल में भी जाए तो भी उसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर 24 घंटे पुलिस रहेगी, वो छुप छुपा के आए तो हमें सपोर्ट करना, 802-401 दोनों पैरा देते रहो। यस सर। मत रो माँ जी, विजय बाबू ने ये खून नहीं किया होगा, अपने को बेगुनाह साबित करके वापस आएंगे वो, विश्वास रखो। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? वही जहाँ मेरी आत्मा जाने को कहती है, खून का झूठा इल्जाम लेकर कानून से बचते हुए एक मुल्जिम की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा मैं। तो क्या करोगे तुम? इस मामले में जिस इंस्ट्रूमेंट ने फंसाया मुझे उसके तार को जानता हूं, उस तार को ऐसा खींचूंगा कि सच्ची आवाज निकलने लगेगी। वो दड़ियल कहाँ है, सच बोल नहीं तो तुझे चीर के रख दूंगा। बताता हूँ
वंडरफुल, आज जो खबर तुमने हमको दी बहुत बढ़िया है। अपने देश की हिफाजत की जिम्मेदार अपने देश की आर्मी होती है ना? क्यों? और आर्मी का मेजर होन्नप्पा आज रात को बहुत ही खुफिया तौर पर डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करने के वास्ते स्पेशल प्लेन से यहाँ पहुंचेगा। उसको अपने चंगुल में फंसा लें तो मुल्क की सरहद की सेना के भेद हमको मालूम हो जाएंगे, इसलिए उसको किडनैप करना होगा। हमारा किडनैप करने वाला प्लान आखिर सीबीआई वालों को कैसे मालूम हो गया? अपना कोई आदमी उनका दोस्त बन चुका है। Who is that bloody bastard? बौखला के हमें ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारा शुभ हम दोनों पे है। खुद अपने ही प्लान की खामियों से नाकामयाब हुए और शुभ दूसरों पर करते हो। गलती अपनी सजा दूसरों को, जय बजरंग बली। Damn it! Darling. Take it. मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया है, गलती होने पर सब पर शुभा करता हूं मैं। इट्स ऑल राइट, जो होना था सो हो गया। आई एम सॉरी। ओ, अगस्त 15 पास हो पहुंचा, जी बुम्बा कदम कदम पे दबाव डाल रहा है। आपको जो काम हमने सौंपा था उसे अब तक नहीं किया आप लोगों ने। अगर इस बार कोई कसर रह गई, जी बुम्बा हम लोगों को स्मैश कर देगा। गेट रेडी एंड मूव। ओके तेजा, पैसों की बात करो। आपका पैसा, मेरा पैसा, हमारा पैसा, तुम्हारा पैसा, हम सबका पैसा एक है। तुम्हारे पास हो तो बैंक में है, यही डफली महीनों से बजाते आ रहे हो। लेकिन बजरंग बली, गेट लॉस्ट डार्लिंग। फिक्र मत करो, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तुम बोलती हो तो मान लेता हूँ, मगर हाय प्यारे मजनू, उसको मत छेड़ो, तेजा बम से उड़ा देगा। मोगरे के फूल कैसे? वैसे जैसे मोगरे के फूल होते हैं, काले तो नहीं होते। मोगरे के फूल अच्छे लगते थे राजा को, मैं जब लगाती थी वो मसल देता था। किसको? फूलों को ना जी। इस सेंट का नाम है नाइट रोमांस, खुशबू अच्छी लगी। इसके लिए ऊपर क्यों गिरती हो, मीलों दूर से आ रही है खुशबू। मेरा राजा रात को यही सेंट लगाने को कहता था मुझको। तो फिर क्या हुआ, और लगा लो। क्या हुआ, अभी तक तो अच्छी वाली थी तुम, अब क्या हो गया? नींद आ रही है मुझे। रात में नींद नहीं आएगी तो कब आएगी, सो जाओ, गुड नाइट। मगर सोने के लिए आया नहीं है ना? आया? तुम्हारी मौजूदगी का किसी को पता न लगे इसलिए आया को न आने को कह दिया मैंने। अब तुम्हारे सोने और आया में क्या संबंध है? आया तुम्हारी पीठ थपथपाएगी या लोरी गाएगी? ये बात नहीं, आया को मैं बगल में सुलाती हूँ। बगल में? आया बगल में सोती है, किस लिए? उस पर अपनी टांग क्यों रखती हूँ, तभी नींद आती है मुझको। बीमारी लगती है मुझे, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? ये बीमारी नहीं, ये आदत तो बचपन से पड़ी हुई है। अच्छा? जब छोटी बच्ची थी तब अपने डैडी पर पाँव रखकर सोती थी मैं, जब मैं बड़ी हुई अपनी मम्मी पर पाँव रखकर सोने लगी, जब वो ना रही तब से आया पर टांग रखकर सोती हूँ। जब राजा जिंदा था राजा के ऊपर टांग रखकर सोती थी, और अब तो तुम तकिए पर पैर रख के मजे से सो। ट्राई कर चुकी हूँ, नींद नहीं आती। तो सब मुझसे क्या करने को बोलती हो? तुम अगर बुरा न मानो तो। बाप रे, मेरे बदन पर टांग क्या, उंगली भी रखोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा, दया करके मुझे छोड़ दो। ची, तुम भी बस बच्चों से बातें करते हो। मतलब मेरी बिल्ली मुझी से म्याओ? कर बताओ, तुम सिर्फ पैर ही रखोगी ना? पहले पैर रखूंगी, उसके बाद नींद में क्या करूंगी मालूम नहीं। मर गया भगवान, मैं तो। इधर मुड़ो ना। मुड़ता हूँ। राजा, ए राजा।
महफिल जाने जा तू ही तू जाने जा तन को सजन तो रंग गया यार सुनो जाने जा आओ रंग बहार का नशा चढ़ा तेरे प्यार का भी गया तो जाने वफा रोग मुझे प्यार का लगा पागल है जिया प्यार करो हम जोलियो दिल पर जानिया फूल सा नाजुक बदन तुम्हारा लचक न जाए तो मेरे हम दवा ओ सनम लो तेरी बनी हम महफिल महफिल जाने जा तू ही तू जाने जा तन को सजन को रंग गया या सुनो जाने जा बेजुबान बोले भी तो क्या दिल ने सनम आस लिए कब से बैठी हूँ यौवन मेरा मुझे सताए तुझे बुलाए हस्ती में समा जा हम दम तो दिल का होगा मिलन निराली क्षमा जली गुड इवनिंग तेजा गुड इवनिंग गिरजा डार्लिंग तुम्हारी खूबसूरती और रसीली बातों का असर हुआ उस बेवकूफ पर ओ चक्रपाणी क्या बोलता है हा? कैसा है वो आंखों से शराब पिलाई बदन की नुमाइश से भड़काया उसे उस खूबसूरत झूठ बोलकर विश्वास पात्र बनी अपनी बाकी अदाओं से बंदी बनाया उसे ये एक्टिंग थी या जिसे फंसाने गई थी उसके प्यार में तुम खुद फंस गई तेरी तरह मर्दों की बातों में आने वाली कमजोरी मुझ में नहीं पहले ड्यूटी उसके बाद मर्दों की ब्यूटी ब्यूटी आई नो यू गिरजा इसीलिए तलवार से भी पैनी जिम्मेदारी मैंने सौंपी है तुमको झूठे प्यार के सुरीले नगमों से उसे रिझाकर उसके दिल की गहराइयों में पहुंचकर उस वीडियो फिल्म के बारे में मालूम करो डोंट वरी तेजा ये गिरजा किसी भी काम को असंभव नहीं समझती बहुत जल्द सच क्या है मालूम करूंगी
विजय, वो लड़की अपने साथ उसको क्यों लाए हो बताओ? उसी बेचारी ने मेरे ऊपर इल्जाम थोपने वाले, मुझे इस हालत में पहुंचाने वाले आदमी से बचाकर मुझको अपने घर में पनाह दी। वो बड़ी शरीफ लड़की। ये भूल है, तुम जैसा समझते हो वैसी नहीं है वो। तुम्हें पनाह देने का बहाना बनाकर तुम्हें ढूंढने वाले बदमाशों के हाथों में वो सौंप देगी। तो क्या बोलती है? सच विजय, मेरी दुकान के नजदीक उस रोज एक कार आकर रुकी। आइए मेम साहब आइए। विजय बाबू कहाँ होंगे मालूम है? विजय बाबू मेरे बॉस। उनसे क्या काम है? उनसे कुछ काम है मुझे। होगा जरूर होगा। अजीब बात है, इन दिनों मेरे बॉस से बहुतों को काम आ पड़ा है। असल में काम क्या है बोलो? काम न बताओ तो तुम भी न बताओगी? नहीं बताऊंगी। उस दिन तेरे जैसी फैशन वाली लड़की ने आकर, हाय बापरे, वही वो चोर की बच्ची कैसे देख रही है? कल मुही कहीं की। मेरी सहेली के बारे में ऐसी बातें क्यों बोलती हो? उसने क्या किया? वो तुम्हारी सहेली है मेम साहब, तो तुम कैसी होगी मैं अच्छी तरह समझ गई। मस्त बनाने वाले इस हुस्न के पीछे, इस नारित्व के पीछे परेब छुपा हुआ है, ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आंखों की गहराइयों में साजिश दबी हुई है, इसकी हवा भी नहीं मिली मुझको। इतने रोज प्यार की भूल भुलैया में भटकाती रही तुम। नो। हेलो गिरिजा, तुम्हारा वो शिकार विजय बाबू क्या बोलता है आ? उस भेद का पता लगा? ओए पापे, वो क्या पता लगाएगी, तुम्हारा भेद जान लिया मैंने। अरे वो चक्रपानी, तुमसे हमेशा बस एक ही भूल हुई, पीछे मुड़कर कभी ना देखा तुमने। मुड़ के देख लिया तुम्हारे निकम्मे लोगों को, पालतू लगते हैं मुझको। 2 मिनट के बाद फोन करो और बताओ तुम्हारे पालतू कुत्तों की लाशों को कहां भिजवाना है। यहाँ क्यों लाए मुझे? तुमको यहीं लाने को बोला गया था। बोला कौन? पापे ने बोला? नहीं मालूम। ये बताओ, तुम असली पुलिस वाले हो या उस पापे के भेजे हुए गुंडे हो? नहीं मालूम।
फिर क्या मालूम है तुम्हें? ठहरो। तुम बाहर जाओ। यस सर। आप कौन है? सीबीआई ऑफिसर। यानी? देशवासियों के आपसी प्रेम सुख और शांति को भंग करने वाली बाहरी और अंदरूनी शक्तियों का पता लगाकर खत्म करवाने वाला स्पेशल डिपार्टमेंट। उसके आप है डायरेक्टर, मैं हूं डिप्यूटी। सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई हत्या नहीं की, फिर यहां किस लिए लाया गया मुझको? तुमने कोई जुर्म नहीं किया ये जानता हूं विजय बाबू, लेकिन तुम्हारे जाने बगैर तुमको अपना बना के अपना एजेंट बनाया था। अब यानी आपका मतलब है? बहुत खूब, आपको मान गया सर। ऑफिसर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी खुद निभाने के बदले में डिपार्टमेंट से संबंध न रखने वाले दूसरे आदमी पर थोप दिया। उस पर होने वाले बेशुमार जुल्मों को देख के भी आप लोग यूं ही चुप करके बैठे रहे ना? ऐसा ना सोचो विजय बाबू। क्यों ना सोचूं सर? अपने मतलब के लिए मुझसे पूछे बगैर मुझको अपने खेल का मोहरा बनाया आप लोगों ने। आपकी इस भूल की वजह से मैं हत्या के केस में फंस गया। अपनी माँ बहन और भाई से अपना मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, सब लोग मुझे खूनी समझने लगे हैं। उस गिरोह से अपने प्राण बचाने की कोशिश में मैंने क्या कुछ नहीं किया? मुझे मुसीबत में फंसाकर आपके डिपार्टमेंट को क्या मिला? देखो मिस्टर विजय बाबू, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मालूम है? लाखों आदमी उस संग्राम में बलि हो गए। अपनी कुर्बानी से उन्होंने करोड़ों को आजाद कराया, ये मत भूलो। मुमकिन है हमारे काम की वजह से किसी एक आदमी को नुकसान पहुंचे, मगर पूरे देश की भलाई होगी ये सोचकर ही हमने तुमको मरा बनाया। लेकिन ध्यान रखा कि तुम पे कोई मुसीबत ना आए, छुपकर तुम्हारी हिफाजत करते रहे हम लोग। आपने हिफाजत की मेरी? अग्निकुंड में धकेल कर आप लोग खुश होते रहे हैं सर। नो मिस्टर विजय बाबू, जब तुम मुसीबत में फंसे हुए थे तब तुमको किसने सहारा दिया मालूम है? उधर देखो। तुम यहाँ क्यों आई हो सर? ये लड़की उनकी, हमारी स्पेशल एजेंट, मुल्क के दुश्मनों को पकड़ने के वास्ते हमने मुकर्रर किया था इसे। सिर्फ यही नहीं, ये हमारे इन गणपत साहब की इकलौती बेटी भी है। तुम मुसीबत से अनजान होकर उस गिरोह से लोहा ले बैठे, लेकिन मुसीबतों के बारे में जानते हुए भी अपने प्राणों से भी प्यारी इस लाडली बेटी को उस गिरोह को पकड़ने के लिए एजेंट अपॉइंट किया गणपत साहब ने। विजय बाबू, मैं कौन हूँ जान गए? इतने दिन मेरे कामों और बातों का अर्थ समझ गए होगे तुम। कम से कम अब तो मेरे ऊपर शुबा मत करो। गुड, वेरी गुड। आप लोग अपनी नौकरी पर लगे हुए हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन मेरी बात और है। मेरा एक छोटा सा कुटुंब है, माँ भाई और बहन के लिए मुझे जीना पड़ेगा। लेकिन मैं ही ये काम क्यों करूं? क्योंकि तुम ही कर सकते हो। कोई किसी को चाकू भोंक रहा हो और उसे देखकर तुम चुपचाप बैठ जाओ, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। इसे देखो, इस फर्ज के पुजारी और वफादार सीआईडी ऑफिसर का खून कर डाला, इन बच्चों को माँ की गोद से छीनकर मौत की गोद में पहुंचा दिया। ये निष्पाप साधु भक्ति में मगन यात्रा पर जा रहे थे, बदमाशों ने इनको भी नहीं छोड़ा। और देखो, कुटुंबों का सफाया हो गया, माताओं की कोख सुनी हो गई, माँ को बच्चों से, पति को पत्नी से, बहन को भाई से जुदा कर दिया। विजय बाबू, जुल्मों को देखकर भी चुप रहना चाहते हो? सभी लोग स्वार्थी बन जाएंगे तो अन्याय का सामना कौन करेगा? तुम्हारे साथ ही ना इंसाफी देश के और लोगों के साथ ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, बताओ? उस गिरोह से टक्कर लेने की हिम्मत सिर्फ तुम में है, तुम ही को उसे खत्म करना होगा। मैं एक लड़की हूँ, सुख से माँ बाप के पास रह रही थी, देखा वो गिरोह गद्दारों को साथ लेकर मुल्क को तबाह करने पर उतारू है, तो मैं मैदान में उतर पड़ी। हिम्मतवर होकर गरीबों के लिए मन में हमदर्दी होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से भागना अन्याय नहीं है विजय। लाखों देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी देकर स्वतंत्र बनाया हमारे देश को, अब अपने देश को तोड़ने वाली बाहरी शक्तियों और गद्दारों से बचाना तुम्हारा फर्ज और जिम्मेदारी नहीं है विजय। अब भी अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में ना आए तो बाहर जीप खड़ी है, तुम लौट जाओ। सर, अब तक मैं सिर्फ अपनी ही भलाई बुराई के बारे में सोचता था, घर वालों को ही अपनी दुनिया समझकर जिंदगी गुजार रहा था मैं। मेरी सोच से भी जो बाहर था, आपने वो मुश्किल काम मुझे सौंपा है। आपके विचार में मुझ जैसे आदमी से देश और समाज की भलाई हो सकती है तो आपको हरगिज निराश नहीं करूंगा। अब मुझको मालूम हो चुका है मेरा फर्ज क्या है, जान पर खेल कर भी उस गिरोह को पकड़ूंगा। डार्लिंग, चक्रपाणी, चक्रु चक्रु। अभी अभी खबर मिली है, विजय बाबू नामक एक खूनी पुलिस की हिरासत से बच के फरार हो गया है। उसको रोकने वाले पुलिस वालों को उसने जख्मी कर दिया। अस्पताल में पड़े हुए घायल पुलिस वालों की जान खतरे में है। विजय बाबू की तलाश में पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है। शिट,
What the hell is going on? सीबीआई एजेंट चक्रपाणि को विजय बाबू के नाम से क्यों पुकारा? उसका पुलिस के हाथों से बच के भागने का क्या मतलब है? Mike, what's this? मेरे विचार में हमें भ्रम में डालने के मकसद से सीबीआई वालों ने ये नाटक खेला है सर। यही सच है, अब तक सीबीआई वालों ने ये नाटक खेला। गिरिजा। यस तेजा, विजय बाबू एक मामूली पॉकेट मार है। उसके घर में उसकी माँ बहन और भाई हैं। उन सबको छोटी मोटी चोरियां करके पालता है वो। एक बार इस फाइल को देखिए, उसके बारे में सारा ब्यौरा इस फाइल में मौजूद है। यू विल गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर। रियली डार्लिंग, विजय बाबू तो एक मामूली पॉकेट मार है। ओ माय गॉड, काफी उम्दा प्लान बनाकर सीबीआई वालों ने धोखा दिया हमको। एग्जैक्टली तेजा, हम लोगों का खेल रोकने के लिए सीबीआई ने मोहरा बनाया उसको। जब उन्होंने देखा कि वो पीटर सैमुअल की हत्या के केस में पकड़ा गया, तब ये सोचकर कि वो उनके काम का आदमी नहीं, सीबीआई ने विजय को बलि का बकरा बनाकर छोड़ दिया। पुलिस ने अरेस्ट किया उसे, उस मासूम पर अकारण अपराधी का ठप्पा लगा तो वो बागी बन गया। खौलता हुआ खून और दिल में शोले लेकर अब पुलिस का दुश्मन बन चुका है वो। इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाओ, हम उस भड़के हुए शोले पे काबू पा लें तो हमारे कामों में बहुत काम आएगा वो। तब तो विजय बाबू को यहाँ किसी भी तरह लाना पड़ेगा। मक, मुझे क्यों रोक दिया? मेरे मन की आग को क्यों दबाते हो? उस पुलिस डिपार्टमेंट का सर्वनाश करने की सौगंध खाने वाले को तुमने क्यों रोका? जो अन्याय मेरे साथ हुआ है, वही अन्याय अगर तुम्हारे साथ भी हुआ होता तो तुम्हारी समझ में आता मेरा दिल क्यों तड़प रहा है? मिस्टर तेजा, इस मकसद में तुम मेरा हाथ बटाओ तो ठीक है, वरना मैं एक साधारण आदमी की तरह नहीं, बहुत बड़ी शक्ति बनकर मासूमों को मुल्जिम बनाने वालों को कुचल डालूंगा। काम डाउन विजय बाबू, काम डाउन। हम भी तुम्हारी तरह पुलिस वालों और हुकूमत के जुल्म से काफी दुखी हैं। हम दोनों एक होकर मिटा देंगे उन लोगों को। लेकिन इसके लिए आवेश की जरूरत नहीं, जरूरत है अक्ल की, टाइम की जरूरत है। अब तुम जाओ और आराम करो। ओके गिरिजा, टेक केयर ऑफ हिम। आराम? जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता आराम नहीं करूंगा। जब तक दुश्मनों का सर्वनाश नहीं कर लूंगा चैन नहीं लूंगा। विजय बाबू, तेजा के विचार में उनको मारना है तो प्लान बनाओ, क्योंकि वे एक दो आदमी नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, हुकूमत उनके पीछे है। इसलिए उनको जड़ से उखाड़ने के लिए समझ बूझ के चलो तुम, जल्दबाजी से कोई फायदा ना होगा। मतलब तेजा के कहे मुताबिक काम करो, क्या इरादा है? तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, मैं दुश्मनों से जरूर पर जरूर बदला लूंगा। माइक, विजय और उसके परिवार वालों पर कड़ी नजर रखो। ये है तो बहुत छोटा, पर इसमें दुनिया समा जाती। मुन्नी की दुकान कहाँ है? यही है, मैं ही मुन्नी हूँ, क्या चाहिए? मुझे विजय बाबू ने भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ। क्या बाबूजी, आपको विजय बाबू ने भेजा है? यानी आप भी पुलिस वाले हैं? तो विजय सीआईडी है। हाँ मुन्नी, तुमसे एक बड़े राज की बात करनी है, तुमको उसने इसी वक्त मिलने को बोला है। अगर काम होता तो खुद आता ना। यहाँ आने को उसके पास वक्त नहीं है, इसीलिए मुझको भेजा। जल्दी चलो। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। अरे ओ जमुरी, जरा मेरी दुकान देखना, अभी आती हूँ। Mm-hmm.
तेजा, तुम उदास क्यों हो? जिन पर विश्वास किया वो छुरा भोंकने पर उतारू हो गए, मैं क्या करूं बताओ? है वो लोग कौन है तेजा, मुझे बताओ। अगस्त 15 ऑपरेशन के लिए बॉम्ब्स और सीक्रेट सप्लाई करने वाले दोनों अपने वादे से मुकर गए। सुनो तेजा, एक आइडिया है, उन्हें दावतनामा भेजो, वादा करो उन्हें पूरे रुपए दे दोगे। उस समय विजय और मैं वहाँ पहुँच जाएंगे, उनसे किसी तरह भी सब सीक्रेट्स मालूम कर लेंगे, क्या कहते हो? हम क्या बोलें ब्यूटी, करेंगे हम अपनी ड्यूटी। लहकी ये सांस तेरी दिल को सुलगाती है, सलमा हबीबिया पे खुशबू लुटाती है। रूप तो हजारा लेके मैं आई, मुस्कान तेरी क्या रंग लाई, तू क्यों ले जाई? दुबी दुबाई लड़ी लड़ाई गले बनाई चलो चढ़ाई सुबी सुबाई हवा हवाई। तुमसे जो भी काम बोले गए फौरन करो, ओके गो। वर्दी जी क्यों रोती हो तुम, फुलझड़ी हो, अपना रंग दिखाओ। देखो साहब वो नटखट क्या किया मुझसे, देखो देखो देखो। तो क्या हुआ, तुम कहती हो देखो देखूंगा, पहले मामला क्या है बोलो। वो हमको दगा दे गया साहब, आपने डांस के लिए जो रुपए दिए थे वो लेके चला गया, मेरे वापस आने के पहले ही वो रफू
गया चोर का बच्चा। यानी तुमको यहाँ अकेला छोड़कर वो गायब हो गया? हाँ साहब, वो कटमल बच्चू मुझको खूब मस्का मारकर अपने साथ इस मुल्क में लाके बोला, अदा दिखाओ माल कमाओ, नाच दिखाओ लाखों कमाओ। नाच खत्म होते ही मुझ पर टोपी डाल के बुर हो गया। टोपी कहाँ है? यहीं पे रखी थी। हाँ, उसको भी हड़प गया वो। अब मैं क्या करना, क्या करना? तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। रो मत मेरी बुलबुल, वो भाग गया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। बॉम नहीं दोगे? गिरिजा गटेन। क्या बात है, क्या हुआ? तेजा को अब मेरी जरूरत नहीं, इसलिए उसने मुझे चाकू भोंका। अब विजय बाबू को भी मार डालेगा वो। लोग 15 मिनटों में बम फूटेगा, तुम दोनों के पुर्जे उड़ जाएंगे। तुम लोग मौत के बारे में सोचो और तेजा के दिमाग की तारीफ करते हुए वक्त बिताओ। यू आर गोइंग टू हैव ए शैंपेन ब्लास्ट। या आ आ आ आ आ, ये सोफा जमीन में गड़ा हुआ है, कुछ भी करो हिलेगा नहीं वो। इट्स अ मेयर वेस्ट। विजय, मुन्नी, विजय, मुन्नी, विजय, मुन्नी, संभल के। उस कोने में जो मशीन रखी है उसका स्विच ऑफ कर दो। वो नहीं, ऊपर वाला। धीरज रखो मुन्नी। विजय तुम क्यों झमेले में पड़ते हो? चलो मेरे साथ, उधर तुम्हारी माता जी कितनी परेशान है मालूम है? मुझे बहुत डर लगता है, तुम्हें छोड़कर अब मैं नहीं जाऊंगी। मुन्नी वो सब तो ठीक है, मुन्नी तुम यहाँ कैसे पहुंची? स्टेला ने भेजा, ये लो तुम्हें ये कागज देने को बोली थी। मुन्नी तुम फौरन जाकर पुलिस वालों को इस जगह पर ले आओ। अच्छा, कम ऑन, हरी अप। जी मुम्बा, जरूरत के मुताबिक बम हमको मिल गए। वो बम आपको बताए हुए देश के इम्पोर्टेंट मकामात पर रखवा दिए। टुमारो इज अगस्त 15, कल सुबह जब फौज झंडे को सलाम करने में मसरूफ होगी तो इस रिमोट कंट्रोल को यहाँ से आपके आन करते ही द होल ऑफ इंडिया, इंडिया पूरा नेस्तो नाबूद हो जाएगा, ये बोलता जिमुम्बा। वेट वन थिंग, तुम कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारा हाथ सबसे ऊंचा है। ऊंचे हाथों को काटने वाले भी मौजूद हैं। कोई भी दुश्मन यहाँ पर आए वापस न लौटने पाए उसकी आंखें फोड़ने और हाथ पैर तोड़ने का पक्का प्रबंध कर दिया। बोलता तेजा, माय डियर इंडियन, ये इंतजाम देखकर तुम्हारी खिदमत से खुश हुआ जिमुम्बा। ये रात देश के खुशहाली का आखिरी रात है, इसलिए जश्न मनाना चाहता है जिमुम्बा। मैं आपके दिल को पहचानता हूँ जिमुम्बा, आपके मनोरंजन के लिए इस पहाड़ी बस्ती के लोगों को बुलाया है। इसी ये पूछता है जिमुम्बा। यस इट इज, कहता है तेजा। चिंगा बोला
क्या बोला? माई बोला पुंगी पुंगी पिंगी गंगी। बढ़िया आइडिया फेंको सर। मत फेंको। ये क्या साहब, वो बढ़िया आइडिया बताना चाहते हैं और आप ना बोलते हैं? नो 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 नो, ही इज माय असिस्टेंट, एकदम फालतू आइडिया देते हैं। हाय विजय, तुम चिरंजीवी हो, तुमको मरने का खौफ नहीं, ये बात अभी मालूम हुआ ये बोलता जिमुम्बा, लेकिन तुम इस जिमुम्बा को नहीं जानते हो। विजय, ए सिंपल क्वेश्चन, वो रिमोट की चाबी कहाँ छुपाया ये पूछता जिमुम्बा। मालूम नहीं। तुम्हें नहीं मालूम? तुमने ही उसे चुराया है, बोलता है जिमुम्बा। तुम जरा उस तरफ देखो, बोलता जिमुम्बा। हमारा रिमोट चाबी कहाँ है, हमको तुम नहीं बोला तो? विजय, स्मॉल फनी आइडिया, अब तक तो तुम जोर से नाच के खुश किया हमको, अब देखो तुम्हारा लंगड़ा भाई से कैसे डांस करा के तुम्हारा दिल को खुश करेगा, बोलता जिमुम्बा। तेजा पपी, नहीं मत डांटो तुम। नो नो प्रॉब्लम। Bye.
ते जाओ
विजय, इस खुफिया मुकाम पर कदम रखने वाला कोई भी दुश्मन हमारे रहस्य जानने के बाद यहां से कभी वापस नहीं लौटा। इट इज हाईली इम्पॉसिबल। ये बोलता जिमुम्बा, मेरे साथ तुम भी अभी यही भस्म हो जाओगे। बात बोलता जिम्बा। देशद्रोहियों को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है, लेकिन यह जिम्मेदारी एक मामूली आदमी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाली। बहादुर विजय बाबू ने जान पे खेल के टाइगर गिरोह को खत्म किया। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, देश की जनता की तरफ से इसे उन्हें भेंट करता हूं। विजय बाबू, आज जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ वो पूर्ण रूप से मेरा नहीं, उसकी हकदार एक अफसर भी है। उन्होंने मानवता के नाते इस गौरव को हासिल करने में मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं उस अफसर का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं, डिपार्टमेंट के लिए किया, लेकिन जो गौरव इनको मिला वो गौरव सिर्फ इनका ही नहीं, इनकी होने वाली जीवन संगिनी का भी है। इस खुशी के मौके पर एक बहुत टॉप का आइडिया फेंका जाता है। बंद करो माइक, बंद करो। आज तक अपने खोखले आइडिया से ये मुझे बोर करते रहे, अब आपको बोर करने के रहता है। ए, अपना माइक बंद करो। माहिया तेरे लिए रात दिन क्या क्या न सपने बुने, एलिफेंटा भी घुमाएगा प्यार का तमाशा दिखाएगा। हर बात तेरी है सर आंख पे, आशिकाना रुत है आओ चले, आशिकाना रुत है आओ चले। माहिया तेरे लिए।